हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मेरा नाम विवेक कुमार है, मैं आप सभी का पीएससी जर्नी चैनल पे स्वागत करता हूँ। डेली बेसिस पे ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस क्लास रात में 8 बजे कवर कराई जाती है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ होते हैं वो हम लोग यहाँ पे डिटेल्ड बेसिस में यहाँ पे कवर करते हैं। पीसीएस एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रीलिम्स प्लस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ये सीरीज़ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसको अच्छे से कवर करते हुए चलिएगा। जो नए लोग हैं मैं उनको बता दूं, बाइलिंगुअल्स में ये सीरीज़ आपकी कवर कराई जाती है, तो इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। जो नए लोग हैं मैं उनको बता दूं, पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में आपको प्रोवाइड किया जाता है। जो लोग भी टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप पर आप ज्वाइन होकर के जो प्रीवियस जितने भी पीडीएफ है उसको आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला जो न्यूज़ है वो बेसिकली मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 6 हेरिटेज साइट को यहाँ पर यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट में यहाँ पर इसको ऐड किया गया है। उसी से रिलेटेड यहाँ पे आप देख सकते हैं छेों के छेों जो स्थल है वो कहाँ से कहाँ पे है। ये छेों के छेों स्थल जो है वो मध्य प्रदेश में है और अभी उसको अस्थायी रूप से इसको यूनेस्को के अंतर्गत लिस्ट में यहाँ पे शामिल किया गया है। उसी से रिलेटेड बेसिकली ये आपका न्यूज़ है। ये एक तरह से डेजिग्नेशन आपको देखने को मिलेगा, वर्ल्ड हेरिटेज जो है एक तरह से यूनिवर्सल वैल्यू देने को लेकर के यहाँ पे इस लिस्ट में इस सूची में यहाँ पे स्थलों को ऐड किया जाता है, ताकि एक तरह से सार्वभौमिक मूल्य के स्थानों के लिए ये जो डेजिग्नेशन है ये जो स्टेज है यहाँ पे ये प्रोवाइड किया जाता है वैल्यूज़ को बढ़ाने के लिए, एक तरह से विश्व लेवल पे रिकॉग्निशन लेने को लेकर के यहाँ पे यूनेस्को के साइट पे यहाँ पे इसको ऐड किया जाता है। देख सकते हैं अब कौन कौन सा छः स्थल है, आइए उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला स्थल आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्वालियर फोर्ट, आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्वालियर फोर्ट जो है वो बेसिकली इसके अंतर्गत यहाँ पे ऐड किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको जो बनाया गया था राजा सूर्य सेन के सेना के द्वारा यहाँ पे इसको कंप्लीट किया गया था 8वीं शताब्दी में, उसी को लेकर के बताया जा रहा है। और ये बेसिकली राजा सूर्य सेन ने 8वीं शताब्दी ईस्वी में इसको पूरा किया था, इस किले का जो निर्माण है। किले के अंदर की मैं बात करूँ संरचनाएं जो है मान मंदिर महल, गुजरी महल और सास बहु मंदिर, ये सारे महल जो है बेसिकली यहाँ पे इसके अंतर्गत शामिल है, इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे ग्वालियर फोर्ट को लेकर के देख सकते हैं। फिर दूसरा अगर मैं बात करूँ खूनी भंडारा आप देखने को मिलेगा बुरहानपुर में है, जो कि एक अंडरग्राउंड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम आप देख सकते हैं, भूमिगत जल प्रबंधन प्रणाली आप देख सकते हैं, जिसका निर्माण जो है जहांगीर के शासनकाल में हुआ था बेसिकली, और इसको किसने कराया था देख सकते हैं अब्दुल रहीम खान ई खाना के द्वारा यहाँ पे इसको इसको निर्माण किया गया था। ये किसके ऊपर आधारित है, तो जो पर्शियन के ऊपर पर्शियन कनात प्रणाली पर ये बेसिकली पूरी तरह से ये जो खूनी भंडारा है उसी के ऊपर ये बेसिकली आधारित है देख सकते हैं। तीसरा अगर मैं बात करूँ तो खूनी रॉक आर्ट साइट आपको देखने को मिलेगा चंबल वैली में, उसी को लेकर के देख सकते हैं। चित्रकला स्थल आप यहाँ पे देख सकते हैं विंध्या सतपुड़ा और कैमूर पर्वतमाला में पहाड़ी क्षेत्रों में उत्कृष्ट चित्रकला देख सकते हैं। अगला मैं बात करूँ तो भोजेश्वर महादेव मंदिर है, जो कि भोजपुर पर स्थित है, भगवान शिव का ये मंदिर है बेसिकली, इसका निर्माण जो है 11वीं शताब्दी में राजा भोज के शासनकाल में इसको कराया गया था। भूमिजा शैली में ये पूरी तरह से निर्मित है, भूमिजा शैली नगर शैली का एक विकसित रूप बेसिकली कहलाता है और इसका विकास जो है बेसिकली परमार वंश के दौरान यहाँ पे किया गया था। राजनगर के गोंड स्मारक मंडल की भी बात यहाँ पे कही जा रही है, जिसको गोंड शासकों के द्वारा यहाँ पे इसका निर्माण किया गया था। इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं मोती महल है, राज्य भगत की कोठी देख सकते हैं, बेगम महल, ये सारे महल बेसिकली यहाँ पे शामिल है। धमनार का ऐतिहासिक स्थापत्य कला समूह भी आप देख सकते हैं, जो कि एक रॉक कट स्थल है, जो कि 51 बौद्ध गुफाएं जो है 5वीं से 17वीं ईस्वी तक, और हिंदू मंदिर परिसर भी इसके अंतर्गत शामिल है। तो ये सारे आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पे 6 हेरिटेज साइट है, जिसको मध्य प्रदेश का यूनेस्को के अस्थायी रूप की सूची में इसको यहाँ पे ऐड किया गया है, उसी से रिलेटेड यहाँ पे बेसिकली ये आपका न्यूज़ है। तो ये ध्यान रखिएगा टोटल 6 जो है, द हिस्टोरिकल इंसेम्बल ऑफ धमनार, गोंड मोन्यूमेंट ऑफ रामनगर, भोजेश्वर महादेव टेम्पल, रॉक आर्ट साइट ऑफ चंबल, खूनी भंडारा बुरहानपुर एंड ग्वालियर फोर्ट, ये 6 याद रखिएगा, उसी से रिलेटेड बेसिकली आपका न्यूज़ है। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा बेसिकली यहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पे अनाउंस किया गया है 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर के, जिसका यहाँ पे बेसिकली चुनाव का जो चुनाव जो होगा वो 7वें चरण में होगा, 7 चरण में होगा बेसिकली। इसको लेकर के मैंने सेपरेट एक वीडियो भी यहाँ पे जारी किया गया है, अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के अंत में आपको उसका लिस्ट दिख जाएगा, आपको वो वीडियो दिख जाएगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किस तरह से वो चुनाव होने वाले हैं, कितने लोग जो है इस बार बेसिकली उम्मीदवार हैं जो वोट देंगे, कितने कितने कैटेगरी के लोग, कितने कितने संख्या के लोग बेसिकली किस किस कैटेगरी के, कितने कितने पॉपुलेशन है जो कि वोट देंगे, वो सारे की सारी चीज़ें जो है मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन की गई है, तो उसको आप जाकर के एक बार देख लीजिएगा जरूर।
यहाँ पे आप देख सकते हैं 19 अप्रैल से 1 जून तक बेसिकली ये 7 चरणों में ये मतदान होगा, और जिसका रिजल्ट जो है 4 जून को यहाँ पे घोषित किया जाएगा। अब यहाँ पे बात कही जा रही है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की, तो ये गाइडलाइन है जो कि जारी किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज को गवर्न करना है और कैंडिडेट्स को किस तरह से इलेक्शन लड़ना है ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन का कंडक्ट किया जा कराया जा सके, उसी को लेकर के यहाँ पे चुनाव से पहले राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के आचरण को नियंत्रित करने के लिए ECI द्वारा इसको दिशा निर्देश को एक जारी किया जाता है ताकि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को यहाँ पे सुनिश्चित कराया जा सके। ये गाइडलाइन है, ये ध्यान रख सकते हैं, ये आर्टिकल 324 के अंतर्गत ये बेसिकली आता है ये गाइडलाइन, जहाँ पे ECI के पास पावर है कि इलेक्शन को चाहे वो पार्लियामेंट का हो या स्टेट लेजिस्लेचर का हो उसको किस तरह से सुपरवाइज कर सके, उसको ये निगरानी किस तरह से कर सके, ये शक्ति जो है अनुच्छेद 324 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, ECI को ये पावर यहाँ पे दिया जाता है ताकि संसद और राज्य विधानसभा के चुनाव को निगरानी करने की शक्ति अनुच्छेद 324 के तहत प्रोवाइड की जाती है। इसके साथ साथ इसको डेट से ही यहाँ पे ऑपरेट कर दिया जाता है जब से इलेक्शन शेड्यूल जो अनाउंस किया जाता है, और तब तक ये बेसिकली लागू रहता है जब तक कि रिजल्ट की घोषणा नहीं कर दी जाती है। तो ये कार्यक्रम चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने से तिथि से लेकर के परिणाम घोषित होने की तिथि तक ये आपका कार्यक्रियाशील जो है वो आपका रहता है। ये लॉ के द्वारा, ये कोई कानून द्वारा लागू करने योग्य नहीं है, ये ध्यान रख सकते हैं। ये बेसिकली इम्पोज किया जाता है प्रोविजंस के तहत, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत, ये ध्यान रख सकते हैं। जैसे प्रावधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 आदि जैसे प्रावधानों के माध्यम से इसको लागू करने योग्य होता है, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ क्या क्या प्रोहिबिट होता है MCC लागू होने के बाद, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी कैंडिडेट फाइनेंशियल ग्रांट नहीं अनाउंस कर सकते हैं, ये बात यहाँ पे कही जा रही है, वित्तीय अनुदान की घोषणा नहीं कर सकता है। इसके अलावा सरकार नई परियोजनाएं शुरू नहीं कर सकती है, ये भी बात यहाँ पे कही जा रही है। सरकार के द्वारा कोई भी नए कानून वगैरह, नए प्रोजेक्ट्स वगैरह नहीं लाए जा सकते हैं, यहाँ तक कि कोई भी प्रोमिसेस वगैरह भी नहीं कर सकता है कोई भी अथॉरिटीज वगैरह, खास करके डेवलपमेंट को लेकर के, रोड वगैरह निर्माण करने को लेकर के, ये बात यहाँ पे कही जा रही है। सरकारी या सार्वजनिक उपकरणों में भी किसी तथर्थ नियुक्ति पर रोक यहाँ पे बताई जा रही है, यानी प्रोहिबिट किया जा रहा है किसी भी गवर्नमेंट में एडहॉक अपॉइंटमेंट को लेकर के, ये बात भी इसके अंतर्गत आता है। मिनिस्टर और कैंडिडेट कोई भी तरह का ग्रांट को सेक्शन नहीं करेंगे या पेमेंट नहीं करेंगे, ये बात भी यहाँ पे बताई जा रही है। गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को यहाँ पे बैन करने की बात कही जा रही है, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, मशीनरीज हो गया, कैंपेनिंग को लेकर के, ये इस पर सीधा सीधी चुनाव प्रसार के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध यहाँ पे लगाया जाता है, ये ध्यान रख सकते हैं। तो ये सारी गतिविधियां हैं जिसको प्रतिबंधित किया जाता है जब से MCC लागू होता है, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे ECI का क्या रोल रहता है इसको MCC को इवेलुएट करने में, यानी यहाँ पे विकास के आलोक में ECI की क्या भूमिका होती है, उसको यहाँ पे अब तक क्या क्या भूमिका निभाई गई है, आइए उसको देखते हैं एक बार। तो 1960 में यहाँ पे देख सकते हैं MCC को पहली बार केरल में राज्य विधानसभा चुनाव में इसको स्टार्ट किया गया था, पेश किया गया था। 1974 की बात करें तो ECI ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को जिला स्तरीय स्थायी समिति गठित करने का निर्देश यहाँ पे दिया था, जिसके तहत जिला कलेक्टर MCC उल्लंघन पर नजर रखते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे MCC वायलेशंस को चेक करने के लिए कौन यहाँ रिस्पॉन्सिबल होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ये ध्यान रख सकते हैं। और ये ECI डायरेक्ट करता है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को, ताकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक तरह से कमेटी का गठन कर सके। 1979 की बात कही जा रही है तो एक सेक्शन को यहाँ पे ऐड किया जाता है ताकि एक तरह से पार्टी को पावर यहाँ पे प्रदान किया जा सके रेगुलेट करने के लिए, और एक तरह से अनफेयर एडवांटेज कहीं पे भी हो उसको यहाँ पे रोक लगाने की भी बात यहाँ पे कही जा रही है। तो चुनाव के दौरान अनुचित लाभ प्राप्त करने से रोकने के लिए एक अनुभाग जो है वो यहाँ पे जोड़ा गया है सत्ता में पार्टी को विनियमित करने के लिए 1979 में, ये ध्यान रख सकते हैं। फिर अभी रिसेंट में 2013 में अगर मैं बात करूँ तो सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ECI को चुनाव घोषणा पत्र के संबंध में दिशा निर्देश शामिल करने का यहाँ पे निर्देश दिया था, जिसने उससे MCC भी यहाँ पे शामिल किया गया था। देख सकते हैं 2013 में जो केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु, वहाँ पे डायरेक्ट करता है ये केस ECI को ताकि गाइडलाइन को इंक्लूड कर सके, इशू कर सके इलेक्शन मैनिफेस्टोस में, ये ध्यान रख सकते हैं, ताकि उसमें भी MCC को लागू करने के लिए बात यहाँ पे रखी गई थी। तो ये सारे चीज़ें जो है जो आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिला है, उसी से रिलेटेड बेसिकली यहाँ पे ये न्यूज़ है। तो याद रखिएगा MCC बहुत इंपॉर्टेंट
टर्म है, जो बेसिकली जब चुनाव की घोषणा की जाती है तब से इसको लागू किया जाता है, और जब रिजल्ट जब तक रिजल्ट घोषित नहीं किया जाता तब से ये आपका लागू रहता है। क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने देखा इस न्यूज़ में, प्रतिबंधित क्या क्या चीज़ें रहती है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, क्या क्या MCC इंप्लीमेंट करने के बाद क्या क्या चीज़ों पर कौन कौन से एक्टिविटीज़ पर प्रतिबंधित लगाया जाता है, इसके साथ साथ MCC के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। MCC अभी आज के डेट में लागू किया गया, क्या क्या चीज़ें सरकार के द्वारा या उम्मीदवार के द्वारा नहीं की जा सकती है वो हम लोगों ने पढ़ा, और कौन कौन से यहाँ पे रोल क्या होता है ECI का, ताकि MCC को और इवेलुएट किया जा सके, उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया। तो ये था आपका ECI, जो कि MCC लागू करने के बाद जो जो एक्टिविटीज़ होती है उससे रिलेटेड। अगला न्यूज़ जो है बिहार से रिलेटेड है, यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस इमिशन को यहाँ पे अगले 5 साल में यहाँ पे 5 टाइम्स बढ़ाने की बात यहाँ पे कही जा रही है 2070 तक, ठीक है। तो बिहार के ग्रीन हाउस गैस इमिशन टू राइज 5 टाइम बाई 2070, देख सकते हैं 2070 तक 5 गुना ये आपका बढ़ जाएगा। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है, और ये 5.2 टाइम्स एग्जैक्ट आंकड़े की बात करें 2070 तक ये टारगेट यहाँ पे हम लोगों ने अचीव करने का जो सोचा है, जीरो कार्बन इमिशन को, नेट जीरो का, जो कि 2070 तक हम लोगों ने सोचा है उसी को लेकर के बेसिकली यहाँ पे न्यूज़ है। ये क्लाइमेट रेजिलेंट और लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे रिपोर्ट के द्वारा ग्रीन हाउस गैस इमिशन इज प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज 5.2 टाइम्स बाई 2070 व्हेन इंडिया टारगेट टू अचीव नेट जीरो इमिशन, जो कि हमारा टारगेट है 2070 तक नेट जीरो इमिशन हासिल करना, तब शुद्ध जीरो शून्य उत्सर्जन हासिल करने का जो लक्ष्य रखा गया है, तब तक 2070 तक बिहार में गैस ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की जो मात्रा है वो तो 5 गुना 5.2 टाइम्स गुना बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरा ही केस आपको देखने को मिलेगा, ये जो रिपोर्ट यहाँ पे दिया गया है इस रिपोर्ट में क्या क्या बातें बताई गई है, तो बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा यहाँ पे ये रिपोर्ट जो है ड्राफ्ट किया गया, किसके साथ मिलकर के, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के साथ मिलकर के, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा ये पहल जो है बताया गया है कि एक किस तरह से हम स्ट्रेटजी को प्रिपेयर कर सके क्लाइमेट को और लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे के तरफ 2021 में, जो कि बेसिकली ये रिपोर्ट आपका आया था उसमें ये बताया गया किस तरह से हम इसको शुरू किए थे। बिहार सरकार ने 2 फरवरी 2021 में जलवायु लचीले और कम कार्बन विकास मार्ग के लिए रणनीति तैयार करने की प्रक्रिया को यहाँ पे शुरू की थी, और देख सकते हैं उसी के तहत ये निष्कर्ष संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सहयोग से बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में ये सारी बातें बताई गई है। अब ये रिपोर्ट में क्या पूरी तरह से बात बताई गई इसमें, इसके ऊपर थोड़ा सा नजर देते हैं। देखिए 2018 में राष्ट्र उत्सर्जन की अगर हम लोग बात करें तो बिहार का जो योगदान रहा है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का वो लगभग 3.3% रहा है, जो राष्ट्रीय जनसंख्या में इसकी हिस्सेदारी 8.8% से कम है, जबकि 2005 और 2013 के बीच में यह दोगुना हो गया था, ये ध्यान रख सकते हैं। 2018 में कुल 69% योगदान के साथ ऊर्जा क्षेत्र ग्रीन हाउस गैस का उच्चतम उत्सर्जक यहाँ पे रहा है, इसके बाद कृषि वन और अन्य भूमि में उपयोग 624% आप देख सकते हैं, अपशिष्ट प्रबंधन में 5% आपको देखने को मिलेगा, और औद्योगिक प्रसंस्करण और उत्पाद उपयोग में 2% का यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि योगदान रहा है, उसी को लेकर के बात कही जा रही है, ठीक है। एनर्जी सेक्टर में सबसे ज़्यादा इमिटर रहा है ग्रीन हाउस गैसेस को लेकर के, जहाँ पे 69% आप देख सकते हैं टोटल 2018 का जो ग्रीन हाउस गैस का इमिटेशन हुआ है वो ये आप देख सकते हैं, इसके बाद एग्रीकल्चर में हुआ है, फॉरेस्ट में हुआ है और लैंड यूज़ में हुआ है, ठीक है, देख सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ये बढ़ता ही चलेगा अगर राज्य जो है इसके ऊपर अगर हम ध्यान ना दे तो, और 2020 से 2070 तक अगर देखा जाए तो ये 5.2 टाइम्स बढ़ने का अनुमान यहाँ पे लगाया जा रहा है। एनर्जी सेक्टर की बात करें तो ये लगातार ये हाईएस्ट इमिटर रहा है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को लेकर के, जिसका कुल उत्सर्जन 93% योगदान होने का अनुमान यहाँ पे लगाया जा रहा है, देख सकते हैं। इसके बाद निर्माण विभाग में 6%, परिवहन में 5% और उद्योग में 5% का स्थान यहाँ पे आता है, देख सकते हैं। एनर्जी सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आपको देखने को मिलेगा ग्रीन हाउस गैस इमिशन रहता है, जहाँ पे 93% टोटल इमिशन आपको देखने को मिलेगा। और अगर मैं बात करूँ पावर सेक्टर की मैं बात करूं तो यहाँ पे इमिशन में आप देख सकते हैं डोमिनेंसी आपको देखने को मिलेगा, जो कि पूरी तरह से डिपेंडेंट किसके ऊपर है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के ऊपर, नन जो फॉसिल फ्यूल है कोल के ऊपर ये पूरी तरह से डिपेंडेंट है, जहाँ से ये आपका यहाँ पे उत्सर्जन आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो कोयले पर निरंतर निर्भरता के कारण यहाँ पे उत्सर्जन में बिजली क्षेत्र का प्रभुत्व आपको देखने को मिलेगा, उसी को लेकर के ये रिपोर्ट में सारी बातें बताई गई है, तो इसी को लेकर के पूरा ध्यान दिया जा रहा है। और ये अगर इसी तरह रहा तो 2070 तक 5.2 टाइम जो है ये इमिशन आपका बढ़ जाएगा, जो कि हम लोगों ने टारगेट किया है 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन का। तो ये एक
पूरा उसके विपरीत ये आपको एक पिक्चर जो देखने को मिलेगा बिहार में, ये आपको देखने को मिल रहा है। तो एक बहुत कंसर्न का विषय है जिसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो ये एक तरह से बहुत बड़ा ड्रॉबैक्स आपको देखने को मिलेगा हमारे देश को लेकर के, उसी को लेकर के बात यहाँ पे कही जा रही है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें जो सबसे ज़्यादा इमिशन जो हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, पावर सेक्टर में आपको देखने को मिलेगा। और इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए न्यू थर्मल पावर प्लांट जो 2030 की अगर बात कहें तो इसको अवॉइड करने की बात यहाँ पे कही जाए थर्मल पावर प्लांट, ताकि अगर हम इसको अवॉइड नहीं करेंगे तो हम नेट जीरो टारगेट तक कभी भी नहीं पहुँचेंगे 2070 तक, ये यहाँ पे खास करके बताया जा रहा है। तो इससे हमें बचना होगा, न्यू थर्मल पावर प्लांट को खोलने से हमें बचना होगा। राज्य को नवीकरणीय ऊर्जा संपन्न राज्यों के साथ दीर्घकालिक स्वच्छ ऊर्जा बिजली खरीद समझौते को सुरक्षित करने की आवश्यकता होगी। यानी थर्मल पावर प्लांट के बजाय अगर हम नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न जो प्लांट है उसके ऊपर अगर हम ध्यान दें तो हमें उसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, तभी जा करके हम ये जो टारगेट हम लोगों ने जो तय किया है नेट 2070 टारगेट तक, ये हम इसको अचीव कर पाएंगे। खास करके उन राज्यों के साथ बिहार को बेसिकली लॉन्ग टर्म क्लीन एनर्जी परचेज एग्रीमेंट के साथ सिक्योर करना पड़ेगा ताकि हम नवीकरणीय ऊर्जा के ऊपर हम निर्भर हो सकें। इसके साथ साथ स्टेट को और रूफटॉप सोलर पैनल प्रोजेक्ट्स में भी हिस्सा लेना होगा। फ्लोटिंग सोलर प्लांट के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। फोटोवोल्टिक एग्रीकल्चर प्लांट में भी इसको ध्यान देना पड़ेगा। एक तरह से किस तरह से हम कम कर सकें रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर हम किस तरह से वक कम कर सकें उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और हम रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर किस तरह से हम निर्भर हो सकें उस पर हमें विचार करने की ज़रूरत है, ये यहाँ पे कही जा रही है। विकेंद्रीकृत रूपों से जैसे विकल्पों पर सक्रिय रूप से हमें विचार करने की ज़रूरत है। साथ ही उद्योग, परिवहन और रियल इस्टेट के अंतिम उपयोग वाले क्षेत्रों को विद्युतीकृत करने की आवश्यकता होगी ताकि नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग के माध्यम से उनसे उत्सर्जन को कम किया जा सके। तो यहाँ पे पूरी तरह से बोला जा रहा है कि हमें पूरी की पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी पे हमें डिपेंड होना पड़ेगा, तभी जा करके खास करके इलेक्ट्रिफाइड सेक्टर की बात कही जा रही है, तभी हम इस मिशन को हम कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। खास करके इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट और रियल इस्टेट वाले सेक्टर्स की बात यहाँ पे कही जा रही है, तभी हम जा करके ग्रीन हाउस गैस इमिशन को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, उसी से रिलेटेड यहाँ पे पूरा ये न्यूज़ है। अब यहाँ पे दो यहाँ पे बोला जा रहा है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का यहाँ पे बात आया है। तो ये बेसिकली वह एक एनवायरनमेंट अथॉरिटी है जिसकी स्थापना 5 जून 1972 को यहाँ पे की गई थी। ये वैश्विक पर्यावरण एजेंडा पर निर्धारित है। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर सतत विकास को ये क्या करता है, बढ़ावा देता है। और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए आधिकारिक वकील के रूप में ये बेसिकली कार्य करता है। तो एक तरह से देख सकते हैं एक ऑथोरेटिव एडवोकेट के रूप में ग्लोबल एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को लेकर के ये बेसिकली काम करता है, उसी के लेकर के ये आपका UNEP है, ये ध्यान रख सकते हैं। नेट जीरो कार्बन इमिशन क्या है, जो बार बार यहाँ पे इस न्यूज़ में यूज़ हो रहा है, ये बेसिकली हमारा एक हमने एक एम रखा है कहाँ पे, COP 21। COP 21 जो हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 जो हुआ था, जो कि 2021 में हुआ था, कहाँ पे, स्कॉटलैंड में। तो उसमें भारत के द्वारा ये डिसाइड किया गया है 2070 तक हम नेट जीरो कार्बन इमिशन को अचीव करना है, उसको लेकर के यहाँ पे बेसिकली ये उसी से रिलेटेड ये टर्म जो है ये बताता है। कोई भी राज्य जो है किसी भी कंट्री के इमिशन को किस तरह से कंपनसेट कर सके, रिड्यूस कर सके और रिमूव कर सके, ग्रीन हाउस का जो उत्सर्जन है उसको कम कर सके, उसको लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। 70 से अधिक देशों ने सदी के मध्य यानी 2050 तक नेट जीरो बनने का वादा किया है। पार्टियों के सम्मेलन दो देखिए COP 26 की बात यहाँ पे कही जा रही है। इंडिया ने प्रॉमिस किया है कि हम इमिशन को कट करेंगे, नेट जीरो करेंगे 2070 तक, कहाँ पे, COP 26 समिट जो कि हुआ था कहाँ पे, स्कॉटलैंड में हुआ था, ये याद रखिएगा। ग्लासगो जगह का नाम क्या था, ग्लासगो, वहीं पे भारत के द्वारा ये प्रॉमिस किया है कि 2070 तक वो नेट जीरो कार्बन इमिशन करके दिखाएगा। ठीक है, उसी को लेकर के ये आपका न्यूज़ है, तो ये ध्यान रख सकते हैं, इसको ये सारे टर्म जो है वहीं पर यूज़ हुए हैं। अगला न्यूज़ बेसिकली झारखंड से रिलेटेड है। झारखंड ने अभी रिसेंट में अनाउंस किया है फ्री बैग स्टूडेंट को लेकर के, ये ध्यान रख सकते हैं, यहाँ पे प्रोवाइड करने की बात कही जा रही है। स्कूल बैग लगभग 37 लाख स्टूडेंट को यहाँ पे, जो क्लास 1 से 8 तक रिलेटेड है, उनको यहाँ पे स्कूल बैग प्रोवाइड करने को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। झारखंड सरकार के द्वारा हर साल स्कूल किट के हिस्से के रूप में किताबें
और अन्य सामग्री प्रदान करने की यहाँ पे घोषणा की गई है झारखंड सरकार के द्वारा कक्षा 1 से 8 तक जो नाम लिखाते हैं। और टोटल कितने छात्र यहाँ पे होंगे, 37 लाख छात्रों को ये प्रदान किया जाएगा, ये ध्यान रख सकते हैं। इस योजना में जो बताया जा रहा है, चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा से पहले मुख्यमंत्री द्वारा कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करने के बाद इसकी घोषणा की गई थी। देख सकते हैं ये अनाउंसमेंट जो है चीफ मिनिस्टर के द्वारा, जो कि कैबिनेट को चेयर कर रहे थे, उनको इलेक्शन कमीशन के अनाउंस करने से पहले, लोकसभा चुनाव के अनाउंस करने से पहले ये घोषणा की गई थी मुख्यमंत्री के द्वारा, ये ध्यान रख सकते हैं। जो कि आज के डेट में कौन है, चंपई सोरेन, याद रखिएगा चंपई सोरेन आज के डेट में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। टोटल इसी तरह का 13 प्रपोजल जो है वो कैबिनेट मीटिंग में यहाँ पे पास किया गया था, जहाँ पे मैक्सिमम जो है वो रोड प्रोजेक्ट हो गया, इरिगेशन हो गया, वाटर सप्लाई वर्क्स हो गया, ये सारे ग्रामीण विकास हो गया, ये सारे प्रोजेक्ट जो है इन सबसे संबंधित हैं। तो 53 प्रस्ताव जो यहाँ पे लिए गए हैं, जिसमें मैक्सिमम सिंचाई, जल पूर्ति कार्य, ग्रामीण विकास, सड़क योजना, ये सभी से संबंधित है। सरकार हर 3 महीने में प्रति आंगनवाड़ी गैस सिलेंडर की एक बार रिफिलिंग भी प्रदान करेगा, ये भी यहाँ पे बताया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पे वन टाइम रिफिलिंग किया जाएगा गैस सिलेंडर को आंगनवाड़ी में, ये ध्यान रखिएगा हर 3 महीने में। तो ये सारे घोषणा की गई है झारखंड सरकार के द्वारा, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे शेड्यूल जो बेसिकली चुनाव का जो डेट है उसको घोषणा करने के पहले। अब यहाँ पे खास करके बोला जा रहा है झारखंड मिलेट मिशन को लेकर के बात की जाए, ऐसे मिलेट का जो उत्पादन है वो झारखंड में बहुत कम देखने को मिल रहा है, लेकिन ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है। इसको लेकर के यहाँ पे 50 करोड़ रुपए का यहाँ पे अप्रूवल किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पे एम रखा गया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में मिलेट कल्टिवेशन करेंगे, जो कि आज के रेट में अगर देखा जाए तो 40,000 हेक्टेयर लैंड में हो रहा है, इसको बढ़ा करके 5 लाख हेक्टेयर लैंड तक अगले 5 साल में करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है, किसान समृद्धि योजना के तहत 80 करोड़ रुपए को यहाँ पे मंजूरी दी गई है, जिसका उद्देश्य किसानों को सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई को सुविधा यहाँ पे प्रदान करना है। देख सकते हैं 80 करोड़ रुपए यहाँ पे सैंक्शन किए गए किसान समृद्धि योजना के तहत, जिसका लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य ये है सोलर बेस्ड इरीगेशन फैसिलिटी जो है वो किसान को प्रोवाइड करना है, ये ध्यान रख सकते हैं इसके तहत। तो ये आंकड़े याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 80 करोड़ रुपए यहाँ पे किसान समृद्धि योजना के लिए लागू किए गए हैं, सैंक्शन किए गए हैं, और झारखंड मिलेट मिशन में 50 करोड़ रुपए यहाँ पे अप्रूव किए गए हैं, ताकि हम इसकी जो मिलेट कल्टीवेशन जो आज के डेट में 40,000 हेक्टेयर लैंड में जो हो रहा है, इसको बढ़ा करके 5 लाख हेक्टेयर लैंड में करने की बात यहाँ पे कही जा रही है अगले 5 वर्षों में, उससे रिलेटेड बेसिकली ये आपका न्यूज़ है। ठीक है, क्लियर, डन, आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश के द्वारा यहाँ पे 100 टेलीमेट्रिक वेदर स्टेशंस को यहाँ पे इंस्टॉल करने की बात कही जा रही है, ताकि एक तरह से सूखे की निगरानी की जा सके, ड्रॉट को यहाँ पे मॉनिटर किया जा सके। ये जो है ये बेसिकली उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसका अनाउंस किया गया प्लान को, ताकि टेलीमेट्रिक वेदर स्टेशंस को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जा सके, ताकि जो सूखा सिचुएशन है उसको यहाँ पे मॉनिटर किया जा सके। 100 मोस्ट ड्रॉट प्रॉन तहसील, जो राज्य में जो 100 के लगभग जो ड्रॉट प्रॉन एरिया है, सर्वाधिक सूखाग्रस्त तहसील है, उसको उस स्थिति पर नज़र रखने के लिए यहाँ पे 100 टेलीमेट्रिक मौसम स्टेशन को स्थापित करने को लेकर के यहाँ पे बताया जा रहा है। ये कहाँ पर स्थित है, ये सारे तहसील जो है वो सारे 7 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बुंदेलखंड रीजन में आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे इसको इंस्टॉल करने की बात कही जा रही है। इसका पहल क्या है, इस पहल की उद्देश्य क्या है, ताकि जो लगातार ड्रॉट कंडीशन बना हुआ है उत्तर प्रदेश में, उसको मॉनिटर किया जा सके, हम वहाँ के टेम्परेचर को मॉनिटर कर सके, सोलर रेडिएशन को मेजर कर सके, विंड के स्पीड को वहाँ पे मेजर कर सके, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में TWS के तहत, ये ध्यान रखिएगा टेलीमेट्रिक वेदर स्टेशन के तहत। और एक तरह से ये एक तरह से 7 से 10 किलोमीटर तक इसको कवर करेगा, स्वचालित वर्षा गैस स्टेशन जो है 7 से 10 किलोमीटर की दूरी पर, 10 × 10 मीटर की दूरी पर इसको रखा जाएगा, ताकि एक तरह से वहाँ पे स्वचालित मौसम स्टेशनों को ये निगरानी कर सके। हमीरपुर हो गया, बांदा हो गया, ललितपुर हो गया, जालौन हो गया, झांसी हो गया, महोबा हो गया, चित्रकूट जिले हो गए, बुंदेलखंड क्षेत्र में ये सभी आते हैं, और हर साल सूखे की चुनौतियों का इन सभी क्षेत्रों को, इन सभी तहसील को सामना करना पड़ता है, और वहीं पे ये सारे जो TWS है उसको यहाँ पे इंस्टॉल करने की बात कही जा रही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे बोला जा रहा है ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन की अगर हम लोग बात करें, तो ये ऑटोमेटिकली तरीके से वेदर को ये क्या करेगा, वेदर स्टेशन को ये क्या करता है, मेजर करता है, मॉनिटर करता है, खास करके रिमोट एरियाज में जब मैन पावर वहाँ पे इनसफिशेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मौसम की निगरानी को वहाँ पे अपर्याप्त तरीके से यहाँ पे निगरानी करेगा, देख सकते हैं, जो कि स्वचालित प्रकार का रहेगा। स्वचालित वर्षा गैस स्टेशन की भी बात यहाँ पे कही जा रही है, यहाँ पे मौसम विज्ञान स्टेशन के रूप में परिभाषित किया गया है, जिस पर अवलोकन स्वचालित रूप से किए और प्रसारित किए जाते हैं, उसको लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा 100 टेलीमेट्रिक मौसम स्टेशन को यहाँ पे उत्तर प्रदेश के जो ड्रॉट प्रॉन एरिया है वहाँ पे इसको इंस्टॉल किया जा रहा है, उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है।
अगला न्यूज़ बेसिकली राजस्थान से है। राजस्थान, यहाँ पे आप देख सकते हैं, राजस्थान ने रामगढ़ क्रेटर को एक इंडिया का पहला जियो हेरिटेज साइट यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया है। चलिए, अभी हम लोगों ने रिसेंट में भी एक और कवर किया था न्यूज़। बताइएगा कौन सा राज्य ऐसा है जहाँ पे पहला जियो हेरिटेज साइट जो है वहाँ पे घोषणा की गई है। देखिए, हम लोगों ने एक और राज्य के बारे में कवर किया है, मुझे उसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और उसका नाम क्या है वो भी मुझे बताइएगा। तो अभी हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा ऑफिशियली यानी औपचारिक रूप से यहाँ पे 3 किलोमीटर जो व्यास वाले क्षेत्र है, रामगढ़ क्रेटर, जो कि बरन जिला में पड़ता है, जहाँ पे 165 मिलियन ईयर अगो बेसिकली इसका निर्माण हुआ था, उसको यहाँ पे बेसिकली मेटियोर के इम्पैक्ट की वजह से जिसका निर्माण हुआ था, वो कंट्री का पहला जियो हेरिटेज साइट उसको यहाँ पे घोषित कर दिया गया है। देख सकते हैं, तो देश की पहली भू विरासत स्थल के रूप में इसको मान्यता दिया गया। देख सकते हैं, जो पहले उल्कापिंड प्रभाव के कारण बने बारा जिले में 3 किलोमीटर व्यास वाले रामगढ़ क्रेटर को यहाँ पे मान्यता दी गई है। प्रमुख बिंदु की अगर हम लोग बात करें तो रामगढ़ क्रेटर अपनी पारिस्थितिकी तंत्र, सेवाओं, जैव विविधता, सांस्कृतिक और स्थानीय समुदाय समाज के लिए, विरासत मूल्य के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देख सकते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ही बेसिकली इसको जो है बेसिकली कंजर्व किया जाता है। ये स्टेटस को रिफ्लेक्ट करता है, डिक्लेयर्ड करता है कंजर्वेटिव रिजर्व के रूप में, रामगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व के अंतर्गत, जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत आता है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो लेक है वो भी यहाँ पे वेटलैंड के रूप में इसको नामित किया गया, वेटलैंड रूल 2017 के तहत, और ये स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी पुष्कर तलब जो कि यहाँ पे लोकेटेड है क्रेटर के अंदर में, जो भी एक सोर्स है किसका, सेलाइन और अल्कलाइन वाटर का, वो भी एक तरह से यहाँ के ब्यूटी और एरिया की डाइवर्सिटी को ये क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, तो राजस्थान का रामगढ़ क्रेटर की बात कही जा रही है, जिसको इंडिया का पहला जियो हेरिटेज साइट यहाँ पे मान्यता दी गई है, उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है। रामगढ़ क्रेटर की अगर हम लोग बात करें तो एक बहुत इंटरचेंज आपको देखने को मिलेगा ह्यूमन वैल्यूज़ के साथ, जो यहाँ के कल्चरल क्षेत्र हैं उसके साथ यहाँ पे बहुत अच्छे से कनेक्ट करता है। एक तरह से डेवलपमेंट को लेकर के ये रिफ्लेक्ट करता है आर्किटेक्चर सेक्टर्स में, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, और एक मोन्यूमेंटल आर्ट्स को भी ये क्या करता है, दर्शाता है। टाउनशिप प्लानिंग को लेकर के भी यहाँ पे बात कही जा रही है, तो एक तरह से खजुराहो में चंदेल राजवंश और उनके मंदिरों में प्रभावित भांड देव मंदिर, इस तरह के आदान प्रदान का एक उदाहरण आप देख सकते हैं। तो ठीक उसी तरह से अगर इसका उदाहरण आप देखिएगा तो चंदेल वंश का से जो इन्फ्लुएंस है भांडेव टेम्पल, और वो टेम्पल जो कि खजुराहो में है, एक तरह से एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। इसका जो कंस्ट्रक्शन है, इसका कंस्ट्रक्शन किसके वजह से हुआ है, मेटियोर जोलका पेंट का जो इम्पैक्ट हुआ था उसके वजह से इसकी यूनिकनेस जो है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। इसका प्रभाव आप देख सकते हैं, इसका महत्व जो है और इसका बढ़ता है, ये ध्यान रख सकते हैं। क्रेटर पर इसका जो निर्माण हुआ था आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिखने में एक ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ये बेसिकली इस तरह का आपको दृश्य देखने को मिलेगा जो कि उल्कापिंड से बेसिकली ये इसका निर्माण हुआ है। तो रामगढ़ क्रेटर की अगर हम लोग बात करें तो ये है क्या, तो मेटियोर का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा 3.5 किलोमीटर व्यास, देख सकते हैं कहाँ पे, बारा जिले में राजस्थान के रामगढ़ गाँव के निकट स्थित विंध्या पर्वतमाला के कोटा पठार में 3.5 किलोमीटर व्यास का एक उल्का प्रभाव क्रेटर आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस औपचारिक रूप से भारत में तीसरे क्रेटर के रूप में इसको स्वीकार किया गया है। इसका व्यास आकार भारत में पहले से ही पुष्टि किए गए 2 क्रेटर के बीच होगा, देख सकते हैं 14 किलोमीटर व्यास के साथ साथ मध्य प्रदेश में ढाला और 1.8 किलोमीटर व्यास के साथ साथ महाराष्ट्र के बुलडाना जिले में लोनार, इनके बीच में इसका है बेसिकली, देख सकते हैं 3.5 किलोमीटर व्यास का उल्का प्रभाव क्रेटर है जिसका रामगढ़ क्रेटर नाम रखा गया, देख सकते हैं। तो ये एक्सेप्ट किया गया थर्ड क्रेटर भारत में, और जिसका डायमीटर साइज जो है वो आपका 3.5 किलोमीटर है, जो 2 क्रेटर पहले से जो कंफर्म किया गया भारत में उसके बीच में ये बेसिकली इसका पड़ता है। पहला जो है ढाला जो कि मध्य प्रदेश में, उसका क्रेटर का जो डायमीटर का साइज है वो 14 किलोमीटर है। दूसरा महाराष्ट्र में आपको बुलढाणा जिला में देखने को मिलेगा, जो कि 1.8 किलोमीटर व्यास के डायमीटर के बराबर आप देख सकते हैं। तो ये आपका पूरा डिटेल्ड में था रामगढ़ क्रेटर को लेकर के, ये ध्यान रख सकते हैं, जिसको आज के डेट में इंडिया का पहला जियो हेरिटेज साइट के रूप में इसको मान्यता दी गई है, ये ध्यान रख सकते हैं। राजस्थान के रामगढ़ जिले में ये बेसिकली पड़ता है, राजस्थान के रामगढ़ क्रेटर में, रामगढ़ क्रेटर है बेसिकली जो कि बारा जिले में ये बेसिकली पड़ता है, ये ध्यान रख सकते हैं। गांव का नाम है रामगढ़ गांव, ये ध्यान रख सकते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात यहाँ पे कही गई 1972, तो 1972 में ये बेसिकली एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कुछ स्पेसिस को प्रोटेक्शन करने के लिए, खास करके वाइल्ड एनिमल्स को, और प्लांट्स मैनेजमेंट को उनके रहने सहने रेगुलेट करने के लिए, ट्रेड जो है उनको कंट्रोल करने को लेकर, वाइल्ड एनिमल्स का, प्लांट का, प्रोडक्ट का जो उससे बनते हैं उसको यहाँ पे क्या किया जाता है,
प्रोटेक्ट करता है, ढांचा प्रदान करता है। तो जंगली जानवरों, पौधों के विभिन्न प्रजातियों की सुरक्षा, उनके आवासों के प्रबंधन, जंगली जानवरों, पौधों और उनके बने उत्पादों के व्यापार में विनियमन नियंत्रण के लिए एक कानूनी ढांचा बेसिकली ये प्रदान करता है। इस अधिनियम में बेसिकली पौधों और जानवरों की अनुसूची भी सूचीबद्ध है, जिन्हें सरकार द्वारा अलग अलग स्तर की सुरक्षा और निगरानी यहाँ पर प्रदान की जाती है। कंजर्व करने को लेकर के कहा जा रहा है, खास करके उन स्पेसिस को जो बेसिकली आज के डेट में इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं, उनको यहाँ पे बेसिकली ये प्रोटेक्ट करता है, ये ध्यान रखिएगा, उनके वंश को खत्म होने से बचाता है, कंजर्व करता है। वन्य जीव अधिनियम जो है वो CITES के अंतर्गत आता है। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसिस ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा जो इसको ईजी बनाता है वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत। इसके पहले जम्मू कश्मीर जो है इसके अंतर्गत कवर नहीं था 1972 में, ये ध्यान रख सकते हैं। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जब अब जो है वो जम्मू कश्मीर में भी अप्लाई हो गया है जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद, देख सकते हैं। तो बेसिकली पुनर्गठन अधिनियम के परिणाम स्वरूप भारतीय वन्यजीव संरक्षण जो है अधिनियम अब जम्मू कश्मीर पर भी लागू होता है, ये ध्यान रखिएगा। जब 1972 में ये लागू हुआ था वन्यजीव अधिनियम, उस समय जम्मू कश्मीर में ये आपका शामिल नहीं था, ये ध्यान रख सकते हैं, लेकिन आज के डेट में ये वहाँ पे भी एप्लीकेबल है। तो ये था पूरा आज का करेंट अफेयर। आई होप सारे न्यूज़ आपको बहुत डिटेल में कवर हुए होंगे, अच्छे से एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स जो PDF है वो बेसिकली टेलीग्राम ग्रुप में आपको शेयर किए जाते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं पे आपको सारे PDF जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। वीकली करंट अफेयर आपका कवर हो रहा है ताकि उसको आप रिवाइज कर सकें, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर वीकली बेसिस पे। ऊपर में आपको दिख रहा होगा वीडियो, उस पर क्लिक करके वीकली करंट अफेयर भी आप जा करके चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ आर्टिकल का सीरीज भी आपका चल रहा है, उसको भी आप कवर कर सकते हैं, दो दो तीन तीन मिनट का वीडियो होता है हर आर्टिकल का, 41 आर्टिकल तक हम लोग अब तक कवर कर चुके हैं, तो उसको डिटेल में जा करके कवर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।